स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितम्बर सेल्फी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग नर्स की जो वैकेंसी निकली है उसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसमें आपका है पहला स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व। सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य जान लेंगे, फिर निर्धारक तत्व जानेंगे। तो आज हम लोग स्वास्थ्य ही पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक शेयर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य जानना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के नियमों को जानना, उनके अनुकूल छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शरीर की वैसी स्थिति है जिसमें मनुष्य प्रसन्नचित रहे, उसके सभी शारीरिक अंग सुचारू रूप से क्रियाशील रहे, जितने भी अंग हैं सही से क्रियाशील रहे, पूर्व शारीरिक क्षमता का उपयोग करें। पारिवारिक समाज, परिवार का, समाज का और देश के लिए विकास उन्नति के लिए कार्य करें। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। शरीर के निरोग होने वाली सभी शरीर अंगों और अंग तंत्रों की सुचारू रूप से कार्य कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में रोगी रोगों और मानसिक तनावों से मुक्ति ही अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। उद्देश्यपूर्ण या सार्थक जीवन यापन हेतु उत्तम स्वास्थ्य का होना परम आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान क्या है, तो स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं और हाइजीन शब्द युआन की भाषा के हाइजिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी। इस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान है जो हमें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के नियमों से अवगत कराता है। अपने स्वास्थ्य की स्वयं सुरक्षा करना, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों से अवगत कराना नर विज्ञान ही क्या है, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान कहलाता है। स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य हो गया स्वस्थ। स्वस्थ शब्द सु और अस से मिलकर बना है। सु का अर्थ सुंदर अथवा अच्छी, जबकि अस्त का अर्थ होता स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णता विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य है। केवल बीमारियां अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते, शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की परिभाषा, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या परिभाषा दी है, तो केवल बीमारी या कमजोरी का ना होना ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ही क्या होती है, स्वास्थ्य होती है। किसने कहा है, ये हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। बी आर गंगवार ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य मानव शरीर की उस शक्ति का नाम है जिसमें शरीर के समस्त अंग आदर्श जीवन यापन के कार्यों को पूर्ण आनंद के साथ संपन्न करते हैं, जिसमें समाज कल्याण निहित होता है। फिर डॉक्टर थॉमस वुड ने क्या कहा है, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय और जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान को प्रभावित करता है। ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के विषय में जो ज्ञान है उसका अनुवाद है। ये ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, देखिए पौष्टिक और संतुलित भोजन ग्रहण करें, शुद्ध जल वायु का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, विश्राम लें, अधिक मिर्च मसाला युक्त भोजन का त्याग करें, शारीरिक स्वच्छता रखें, मादक पदार्थों का सेवन से बचना, अच्छी आदतें डालना, प्रसन्न रहना। स्वास्थ्य रक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य रक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को सामूहिक जीवन यापन हेतु तैयार करना, इसका लक्ष्य मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाना या व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना सिखाता है, या मनुष्य के मनोरंजन का साधन भी है। अच्छे स्वास्थ्य के आदर्श स्थापित करना, अच्छे पर्यावरण का निर्माण करना। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। विद्यार्थी के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण करें, स्वास्थ्य रक्षा संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान, स्वास्थ्य निरीक्षण व निर्देशन, प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास,
संक्रामक रोगों से बचाव, अच्छे स्वास्थ्य अभिव्यक्तियों का विकास, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान देना, उसका अभ्यास करना या अभ्यास करना, यहाँ शिक्षकों और विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाने में सहायता देना, अभिभावकों व समाज के अन्य सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना, स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है सहनशीलता, परम सहयोग व किसी व्यक्ति का मानसिक दृष्टि से अध्ययन करना। तो आज हम लोगों ने स्वास्थ्य क्या होता है ये पढ़ा है, कल हम लोग स्वास्थ्य की निर्धारक तत्व क्या है इनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।